विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर हमला किया गया है, मामला क्या है? ये हमला नहीं, ये संविधान का चीर हरण है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिस तरीके से सिद्धार्थ नगर से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी के बल पे जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को हथियाने का काम किया है, उसी तरीके से आज सिद्धार्थ नगर के ब्राह्मण श्रीमान श्री माता प्रसाद पांडे जी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हैं, वो अपनी पत्नी को पर्चा दाखिल करवाने इटवा ब्लॉक में आए थे। भाजपा के यहाँ के जो गुंडे हैं और भाजपा का प्रत्याशी है, उसने आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी के हाथों से पर्चा छीनने का काम किया, उन्हें धक्का देने का काम किया, उनके गाड़ी को छीनने का काम किया है। लगातार यहाँ जो मौजूदा प्रशासन है वो भूख दर्शक बनी है। प्रशासन के इशारे पे ये भाजपा के गुंडे गुंडे ही कर रहे हैं। हर ब्लॉक में भनमापुर ब्लॉक के हमारे बगल में वहाँ के प्रत्याशी हैं शुभांकर सिंह जी, उनके यहाँ लगातार पुलिस दबिश मार रही है, BDCO को जबरदस्ती उठा रही है। डुमरियागंज ब्लॉक में निधि तिवारी जी चुनाव लड़ रही है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता बन करके यहाँ के प्रशासन और पुलिस दोनों BDCO को जो उठाने का काम किया है, मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि अपने हद में रहो। जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उस दिन सूद समेत आपसे वसूला जाएगा और आपको इसी अधिकारियों से दंडित कराया जाएगा।